कि पाकिस्तान तो ड्रोन दे राही पंजाब दे विच नशा भेजा जा रहा है, ड्रग की तस्करी की जा रही है। पर सवाल यह है कि ये तो वो लोग ने, पर वो लोग जिहड़े पंजाब दे विच बैठ के सरहदी पिंडां दे विच रह के पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नस्लां नू नशे दे वल धक्क रहे हैं, उन्हां दा की है? ते पाकिस्तान बेशर्मी नाल उहदा इनकार कर दिंदे, ना असी तो कोई जिहा कम करदे नहीं, साढ़े तो यही गल आती नहीं, अभी कि अत्तवादी ने रखा नहीं। तो वेखो हम परमजीत की पांच वार उत्थे मरिया ना जी पाकिस्तान के बेच ही। प्लाट जी जी है ना ये किदा खरीदया गया, भी 5000 की तो बोली हुई, 5300 कि रुपए की रजिस्ट्री करा लेंगे, 16000 की भी लीडर को यहोजी कि चाबी आ प्रति गज तो कराई 16000। ये भी लगभग 14 लाख रुपये की टैक्स चोरी हुई है, तो आयकर की चोरी बखरी इनकम टैक्स की आते भी जो इन प्लाटा की ई एक्शन शुरू हुई तो पोर्टल के उत्ते ना एक एक यहोजा नक्शा पारता जाए जिसे प्लाट का नंबर ही कोई नहीं। कई गिरफ्तार भी हुई पर दो IAS अफसर के घरवालिया का ना है कि आँच नहीं आई। तो हूँ अपने जो धवान साहब उन्होंने पत्नी कोर्ट ने एक कंडीशन ला के जी अग्रिम जमानत दी, एंटीसिपेटिव बेल इन्हें मिल गई, गिरफ्तारी नहीं होगी फिर सारे यही कंडीशन ला दो भी पैसे जमा करा दो दे दो बेल उन्होंने सारे बेचारे जो 20 बंदे अंदर आने अंदर हो गए जी 18 तो केस रजिस्टर्ड हो मगरों अफसर उफसर भेजे आ गए ना पुलिस केस के। सत श्री अकाल नमस्कार, मैं दीपक भंडारी, तुम देख रहे हो D4 न्यूज़ सारे विशेष प्रोग्राम खरिया खरिया स्वागत है। किस तरह अफसर ते लीडर रल के पंजाब नू लुट रहे ने, इंज लग रहा कि आपा तापी पै गई है, जिदे हथ जो लगता वह लपेटी जा रहा है। हालांकि आरोप लग रहे हैं लीडर के भी तो अफसर के उत्ते भी, पर फैसला मानयोग अदालत ने करना है। पर सवाल सब तो वड्डा यह है कि एक इको जे अपराध की इको ही FIR दे विच कानून दो तरहों काम कर सकता है, कानून के दो जिहड़े रुख हो सकते हैं, जसबान दो फैसले ले सकते हैं। साबका फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल, सवाल सब तो वड्डा यह है कि असी लीडर चुनते क्यों हाँ, इस करके कि वो साढ़े आने वाले जिहड़े आने वाली नस्ल ने आने वाली पीढ़ियां उन्हों का भविख बेहतर बनाएंगे, पर एक किस तरह आप ही माल लुटन लग जाते हैं। हुण एक प्लाट जिहदी बोली हुंदी है 5000 रुपए गज की, तो किस तरह उसकी रजिस्ट्री करा ली जाती है 16000 रुपए प्रति गज की। IAS की एक घरवाली ने किस तरह अपने ना अमरूदा के बाग विखा के मुआवजा लिया, उन्होंने जमानत दे दी गई है, जबकि ये पहले कई लोगों विजिलेंस वालों गिरफ़्तार करके जेल च भेज दिया गया है। इतने भी गलबात करांगे किस तरह इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अफसर पैसे लैके सस्ते प्लॉट वेच रहे हैं, ये पूरा खेड इतने नहीं चल रहा, एक थान पर नहीं है, पूरे पंजाब दे विच खेड चल रहा। ऐसे साडे कोल कई फोन आते हैं, कई सानू दोस्त दसते हैं भी जे इन्हां अधिकारियों की जायदादों की जाँच की जाए तो इन्हां कोलों अरबा रुपया मिलेगा। यह भी हो सकता कि सरकार का 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ही उतर जाए, पर इन्हां ते हथ पाऊगा कौन? हुण पाकिस्तान के जिहड़े एक वड्डे लीडर है उन्होंने मन्निया कि पाकिस्तान इंडिया दे विच भारत दे विच भेज रहा है ड्रोना दे राही हथियार ते नशा, ते नशे नू लैके किस तरह साडी सरकार भी काम कर रही है, पर नशा मुक्कण दा नां नहीं लै रहा। साडे नाल साडे एक्सपर्ट राकेश शर्मा, शर्मा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी साहब। शर्मा जी देखो पहले तो इंडियन गवर्नमेंट जिहड़ी आरोप लगाउंदी सी पाकिस्तान दे उत्ते भी लगातार पाकिस्तान तो ड्रोन आ रहे, नशा आ रहा, पंजाब पुलिस ने बहुत सारे ड्रोन फड़े हुए हैं। आज दिन खबर आ जाती भी ड्रोन की आवाज़ आई तो गोली मार के ड्रोन सुट लिया, फिर ये भी आता एक 10-10 किलो हीरोइन की खेप जी है वो ड्रोना रही आ जाती है। हुण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ उन्होंने विशेष रक्षा सलाहकार सबका सेना के प्रमुख जनरल कमर जवेद बाजवा के करीबी ने एक मलिक मुहम्मद अहमद खान उन्होंने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान तो ड्रोन दे राही पंजाब दे विच नशा भेजा जा रहा है, ड्रग की तस्करी की जा रही है। पर सवाल यह है कि ये तो वह लोग ने, पर वह लोग जिहड़े पंजाब दे विच बैठ के सरहदी पिंडां दे विच रह के पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नस्लां नू नशे दे वल धक्क रहे हैं, उन्हां दा की है? तो देखो ये भी रकेश जी इहदे नाल गल करांगे, सिंगापुर की एग्जाम्पल जरूर देंगे भी उन्होंने नशे ते किना सख्ती की है, यह की है पूरा मामला? क्योंकि कोई दिन घटना दिन ऐसा नहीं जाता रकेश जी भी जिस दिन नशे दे नाल किसी ना किसी की मौत की खबर ना आती होए। 3 सरकार, तीसरी सरकार होगी, अकाली बीजेपी सरकार चली गई, 2 तो उन्होंने
एक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार चली गई तो सवा साल इन्हों भी हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार, पर नशा जोड़ा वो खत्म होता ना नहीं। जी 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 बिल्कुल ताकि ठीक है ला भी सा भारत सरकार तो पंजाब गौरमेंट ये हर जगह ये अंतरराष्ट्रीय मंचा दे जिथे भी ये रौला पा पा केंद्र रहे भी पाकिस्तान वालों अतवाद न तो नशे को बढ़ावा दिता जा रहा जी, जिन्हें दो नंबर के हथियार आ जा हीरोइन आ जा स्मैक आ जा होर भी नशा किस तरह का भी आ वो पाकिस्तान राही वालों आ रहा जी। जो भी किसी अंतरराष्ट्रीय मंच से साड़ी भारत सरकार ये मसला चुकती ही तो पाकिस्तान बेशर्मी नाल इनकार कर दें ना अभी तो कहो जहाँ काम करते ही नहीं साढ़े तो यह जी गल आती नहीं अभी कि अतवादियों रखा नहीं तो वेखो हम परमजीत पांजवड़ उत्थे मरिया ना जी पाकिस्तान के हर वड्डा वड्डा आतंकवादी जड़ा ही जां मिलिटेंट ही वह पाकिस्तान को पनाह देता है तो उतों अतवाद को दावा देता है। हुण देखो अतवाद गया मुक तो हुण इन्हां ने जिहड़ा जिहड़े साडे नौजवान नशे की लत लाती आ तो जिहड़ा उतों पैसा कमा के जांदा उत्थे जिहड़े मिलिटेंट बैठे आ उन्हां दे दिंदे आ। हुण जिदां दी दस्सिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो उहदे विशेष रक्षा सलाहकार तो साबका सेना प्रमुख जनरल कमर जवेद बाजवा दे करीबी एक मलिक मुहम्मद अहमद खान उन्हें कैमरे के उत्ते कबूल किया कि पाकिस्तान ड्रोन दे जरिए पंजाब ते हिंदुस्तान दे विच नशा भेज रहा। यह कबूलनामा उन्हें कसूर शहर एक पाकिस्तान का पत्रकार हामिद मीर उन्होंने इंटरव्यू दिते ही उहदे विच कहा तो हुण दसो हुण पाकिस्तान की जवाब देगा हर थान ते बेशर्मी नाल ना कर दिंदा भई ते काम करदे नहीं। हुण जिहड़ा खान का कबूलनामा वह ड्रग के खिलाफ जी भारत की लड़ाई आदे बड़ा अहम साबित होना जी। हुण तुसीं वेखो जिदा दी दस्सिया भी 10-10 किलो ड्रोन राही जिहड़ी हीरोइन आती वह फड़ी जा रही जी। तो BSF ने 2020 तो लगे 23 तक 500 तो ज़्यादा ड्रोन फड़ लिया बरामद किए तो उन्होंने वेच जी चिप तो हार्डवेयर लगा वह चाइना का बनया जो पाकिस्तान चाइना तो मंगाता STF ने इतने भी एक बंदा फड़िया बॉर्डर के कोल रहा इतों ये उधरों ड्रोन आते की करता है इतों ड्रोन भेजता से पाकिस्तान तो वो समान आ जाता सी मतलब ऐसे लोगों को रुके जी सवाल यह है भी देखो हर दिन कोई घटना दिन ऐसा नहीं जाता जिदन नहीं होंगी बिल्कुल ठीक है कोई बलात्कार रेप नहीं होंगे या स्नैचिंग घटनावान नहीं होंगे या हत्यावान नहीं होंगे तुम देखो ना कल की एक घटना अजनाले की एक रिटायर्ड टीचर दे घर जाके मारता है देखो मार कुछ हजार जाके नशे बालिया लगे हो गए तिरके जी। सवाल यह है भी हूँ सरकार जिमें मोदी सरकार है 370 तोड़ती भी ऐसे कानून क्यों नहीं लिया जाते भी जिदे डर नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा करके बिल्कुल जिदा भंडारी साहब जी दसिया उन विदेशों कानून बड़े सख्त आ जी जिदा तीन दस्या सिंगापुर से एक महिला को जी 31 ग्राम स्मैक फड़ी जाती है जी तो उन्होंने फांसी की सजा हो जाती है के जी देखो उत्थे कोई मानव अधिकार संगठन नहीं बोलता इतने नशा वेचन वाले तो नशा वकाउन वाले तो राजनेता तो पुलिस वालों का नैक्स चलन दिया ती वेखो भी राजी तो तक नहीं ना को फड़िया गया DIG जिहड़ा पैसे लेंदा ही अपनी इंस्पैक्टर को पैसे ले ले ही उन्हें नशे का डर विखा के तो नशा समगलों छड़न के पैसे ले ले ही वह नहीं अज तक इन्हों को फड़िया गया कि कला राजी नशा वेचता ही CM बका ही CM जिहड़ा रिपोर्ट मंगता भी राजजीत नाल इंदर जी नूं सुरक्षा देने वाले जिहड़े जिन्हां आशीर्वाद ही किहड़े किहड़े आ CM नूं कोई रिपोर्ट नहीं दिंदा ते वेखो भी किड्डा तगड़ा इन्हां दा नैक्सस जिहड़े CM नूं भी कुछ नहीं समझदे। हाँ देखो रकेश जी हैरानी की गल है भी अज इस गल नूं भी करीब करीब 4-3 महीने तो ज़्यादा समा हो गया अप्रैल हाँ 28 मार्च नूं रिपोर्टां खुल्लियां सी ते जे मैं गलत नहीं हाँ तो शायद 4 या 5 अप्रैल नूं राजजीत नूं बरखास्त किया जाता है अज हो गई है 29 जुलाई अप्रैल गया मई गया जून गया तो जुलाई भी गया होर हफ्ते जी 4 अगस्त आ जानी है तो राजजीत कोई नहीं बोलता तो राजजीत ने बेल लाती हाईकोर्ट के तुसीं रकेश जी गल जी सिंगापुर की कीती ना सानूं सरकार यह नहीं समझ आती भी कि साडियां सरकारां वैसे तो साढ़े लीडर जिहड़े आ विदेशां च तुरे रहिंदे आ भी असीं उन्हां नाल समझौते करने आ उन्होंने वेखना मैं किसी सिंगापुर में टीचरों को ट्रेनिंग दवाते जे अपने कानून वाले भी दवा दो ट्रेनिंग अपनी पुलिस में भी दवा दो ट्रेनिंग भी वो कि फड़ लेंगे तो कि कानून लागू होंगे उतों के लीडर कोई मोरल रिस्पोंसिबिलिटी हैगी नहीं हैगी भावें वेखो मंत्री साढ़े लाल चंद कटारू चक जी कि गंभीर रूप लगा
उन्होंने चाहिए ही मॉडल ग्राउंड के उ इस्तीफा दे देंगे जिदा कह रहे जी मैं कल सुन रहा भी अपने अफसर अपने मतहतों कि फेस करते हो गए कि गल करते हो गए गल तो ठीक है ना आते कोई खिलाक भी चीज़ होंगी आ तो जे वाकई खिलाक ही नहीं साढ़े तो लीडर का खिलाक मर गया एडा वा मसला हो जाता आप किसी भी मसले में गंभीरता में लेंदे नहीं जी। सवाल यह है कि साढ़े कानून जेडे अक्सर तेज अदालतों ने भी सजा कानून के मुताबिक देनी है तो कानून बने अंग्रेजों के वेले के अंग्रेजों जेडे काम सूट करते उन्होंने अपने हिसाब का कानून बनाए हूँ उदों 75 साल पहले मेरी कि ना बड़े सीनियर IAS अधिकारी ना IPS अधिकारी भी गल होंगी कहते भी जो ये लॉ बने से ना उदों समय की डिमांड कुछ होर सी अज समय की डिमांड हो रहा है। तुम जी गल की सिंगापुर की मैं दसा चाहवागा भी 19 साल च पहली बार किसी लेडी महिला को फांसी की सजा हो गई है हुई है तो 2018 चो उन्होंने मृत्युदंड सुनाया गया 31 ग्राम हीरोइन फड़ गई इतने तो किलो वाले बैठे ने सुधारघर थोड़ी है विगाड़ घर है सारे का सारा ट्रेनिंग उ जेलों च मोबाइल मुक गए जेलों च नशा मुक गया जेलों च बैठे फिर फरोतियां जो गैंगस्टर मंगते मुक गए भी लोगों पैसा चाहिए जेल से जी मर्जी फैसिलिटी ले लो हम सा जी BSF आ ड्रोन इन्होंने बढ़ लिया जी। देखो सरकार देखो कर रही है BSF पुलिस काम एजेंसियां काम कर रही है पर जिन्ना चिर सख्त कानून सख्त इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी उन्ना चिर कहते भी डर बिना तो कोई रब का नाम ही नहीं लिंदा जे भगवान का किसी का डर ना हो रब का नाम ही ले ही एक समगलर फड़ लो उन्हें चपेड़ मार दे तो हुए रेड का रुआ पै जाता भी तीन हाथ घड़ी ला गए किसी खो करने वाले कतल भी फट के हाथ घड़ी ला के नहीं जा सकते तो फिर पुलिस वाले सुन मार के भजे तगड़े होंगे फिर भी पुलिस वाले बर्खास्त करते रहते हैं ह्यूमन राइट्स है जो आम बंदा जो जिदा हम जेलनी घर मारती है नारे कि ह्यूमन राइट कोई नहीं है किसी जो मारने वाला सिंगापुर लेडी जो फांसी हुई ना नारकोटिक ब्यूरो ने यह आरोप लाया को जिनी हीरोइन मिली ना ए 370 बंदे नशा कर सकते इस करके माफी दे काबल नहीं है फांसी हुण एक एक तो एक दो दिन पहला ही कि जी एक 56 साल का बंदा जी मुहम्मद अजीज उन्होंने भी जी है तो वो एक और बंदे फांसी दी वो 50 ग्राम हीरोइन फड़ी गई थी 50 ग्राम तो इतने 5 किलो वाले तो दे दो हुण देखो इस साल 51 ड्रोन BSF ने मार गिराए आ जिहड़े सुटते आ ते साडी सरकार का रोह ठीक आ भी जिन्हें उत्थे तस्कर हैगे आ जे इत्थे ISI का संरक्षण प्राप्त उन्होंने तो कसूर दे रस्ते हो और सारी जी आ रहे ड्रोन आ रहे वेखो उन्होंने अपना बंदा मन दिया सबका जनरल का करीबी वह दसन दिया हूँ पाकिस्तान की जवाब देगा हम देखो ना साढ़े देखो नशे वाले कोई नहीं फड़िया कि कला इंद्रजीत राजनीति संरक्षण दे रहा है राजनीत उत्ते कि आशीर्वाद ही अफसर सट्टेबाजा को जाके जगरातियां हो रहे होंगे शीलडा लै रहे होंगे फिर गल सिंगापुर की दोबारा गल इस करके करांगा उत्थे ना सिंगापुर की जिहड़े सरकार नूं कई ह्यूमन राइट्स जिवें तुसीं दस्सिया उन्होंने गुहार लाई भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए पर सरकार का मानना है भी नशे दे क्राइम नूं रोकण वास्ते सिर्फ तो सिर्फ मौत की ही सजा होनी चाहिए तो मैं एक पढ़ रहा सी करके जी मैनूं भी March 2022 तो लैके हुण तक सिंगापुर ने 15 लोगों को फांसी देती है इत्थे किन्ने किन्ने साल ट्रायल चलते हैं किन्ने किन्ने वह जिन्हें बेचारे ने शिकायत की थी जो गवाह हों फेरे मार मार थक जाता भी दबा कर यार मैं कि लैना इस करके पुलिस में भी उन्हें काम हो गया भी कहते चुप करके पैसे लो
तो बह जुर्मान ना इन्हों कुछ ना कहो कहे साढ़े तो केस पागे ही तरीका भुगते रहेंगे सजावं लोगों की। हम वेखो जिन्हों ने मिलटेंसी खत्म की ही कई ने मिलटेंसी की आड़ के ठगिया बड़िया मारियां हूँ सपोर्ट नहीं करते पर जिन्होंने सही मैंने सरकार के कहते मिलटेंसी में लगाम पाई मिलटेंसी मुकी ना अगर हूँ वो जेलों से सड़न डे आ कि सरकार को चाहिए नहीं भी उन्होंने जनरल माफी देन देखो राकेश जी गलत है भी उन्होंने पुनर्वास करना भी असी एक इलेक्शन जित के अगला इलेक्शन कितना जितना कोई भी पार्टी किसी पार्टी का ना नहीं लेना मैं किस मुफ्त दियां रोड़ियां वंडी जाओ मुफ्त दई जाओ तो राज करी जाओ कर्जा चढ़ता चढ़ी जाए इन्हों को फर्क पैदा मेनली मुफ्त ला के बड़ी खुश हाँ दो लाइटा ला जाए साढ़े कोई खुश होने मैं पता लगा भी तीह भी कोई दो लाइटा लाने वास्ते कही अं महीना हो गया लग गया चलो धन्यवाद जी बधाई सरकार सिख लैनी चाहिए उन्होंने मुल्कों को जिते क्राइम नहीं है लैनी साड़ी गल उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी साड़ा काम है लोगों को जागरूक करना हम दुबई घूम जाने देखो दुबई तुम कहीं पुछ नहीं दिखती पर कोई क्राइम क्राइम नहीं है उसे पता भी चोरी वाले हाथ फड़ते हैं इतने फैसला नहीं होता जिन्हें दो नंबर के बंदे आडा वकील करते दस दस लख वाला भी लख वाला उन्होंने बेल दवा के आऊंगा दे मरीजों का कमी वेख लो जो बंद कई अंदर हो गए भी बंद तो कई वेला मिल गए चलो राकेश जी उ भी आने पर गल करांगे सबका फाइनेंस मिनिस्टर खाली अक्सर तो उन्होंने खाली खजाना मंत्री भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा भी खजाना भरया वो भी कहते थे खजाना तो खाली है हुण उन्होंने एक कहते प्लाट खरीदया रौ बड़ा पिया है मान साहब ने भी कल ट्वीट किया उन्होंने लैके हालांकि मनप्रीत साहब ने भी जवाब दिता है पर हुण एक नवीं ना रिवायत चल पी डॉक्टर राकेश जी पहले तो होंगे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी पत्रकारों को सवाल करने का मौका मिलता है ट्वीट कर देंगे तो जो अपनी फेसबुक गड्डी चल देना कहता कोई काम नहीं गा जी कहता चल भी कर लाइव वीडियो पा देंगे भी आपे लोग सुनते रहन भी ना सानू सवालों के जवाब देने पैणगे ना किसी नू फेस करना पेगा हुण के जी कहते भी प्लाट जिहड़ी है ना ये किदां खरीदया गया भी 25,000 की तो बोली हुई 25,300 कितने रुपए की रजिस्ट्री करा लेंगे 16,000 की भी लीडर को यह जी कि चाबी आ अपनी गड्डी भी आप चलाना मैं कोई ड्राइवर नहीं रखा मैं कोई सरकारी गनमैन नहीं रखा मैं टोल टैक्स भी दे के जाना आंदे भी एक बार भगवंत मान भी मेरे नाल ही तो आंदे भी तू टोल टैक्स दे रहा आवे तू एमपी दे आ तू एमएलए आ मैं एमपी आ फायदा लो साडे स्टिकर लगे आ टोल टैक्स कहदा मैं तो कोई हेराफेरी नहीं की भगवंत मान ने भी क्या भगवंत मान को चैलेंज किया भी जिन्ना तेरे को जोर लगता ला ला तो तेरे मन च यह ना रहे मैं सीएम हाँ तो भगवंत मनप्रीत बादल का नुकसान नहीं कर सकया पूरा जोर ला तो मैं ईमानदार बंदा मेरा तेन कुछ नहीं लभना तो भगवंत उन्होंने कहा भी तेरे बाग जेडे किनू लगे कि किनू का भी मेरे को हिसाब हैगा जी फिर उन्होंने भगवंत मान ने इन्हों जी तू यार जड़ियाँ पोस्टा पा सोशल मीडिया से पा के एवें झूठी ईमानदारी के ड्रामे ना कर उसका जवाब फिर अगो मनप्रीत बादल ने देता जी ती गल पूछी तो फिर आने आप मनप्रीत ने फिर लिखा कि उनको लुटेरों से कोई शिकवा नहीं है लेकिन मान की रहबरी पर दुख है हूँ वेखो मान ने फिर किनवा हिसाब कहीं ना कढ़ लिया ना काम विजिलेंस ने करके जी उन्होंने लिखी नाल कहते भगवंत जी ड्रामा करना आपका पेशा था और अब भी है फिर कहते पंजाब के लोग तुहाडे ड्रामे नूं वेख रहे ने फिर उन्होंने शेर लिखा मैं बताऊं काफिला क्यों लुटा सीएम हर जनों से था वास्ता मुझे हर जनों से गिला नहीं तेरी मतलब सीएम नूं कह रहे हैं रहबरी पर सवाल है तो शेर के थले ना अनुवाद भी किया शब्द केड़े ने कहते हैं भी मलाल का अर्थ अफसोस दुख का रंज ते हर जन का अर्थ लुटेरे ते नाल दी नाल एक वीडियो भी साझा कर देंगे है उदों का वीडियो दसया जा रहा जदों ये मनप्रीत बादल ते मुख्यमंत्री भगवंत मान कट्ठे पीपीपी सन ते उत्थे विदेश जांदे ने ते मान साहब कह रहे उत्थे वेख के लोगों भी पंजाब के लोगों लगता भी वड्डे लोग तो हमेशा हूटरां ही कारां ही जांदे आ गड्डियां जांदे पर इत्थे वेख के लगता भी नहीं ग्रोसरी लैण वास्ते लैणां च भी अफसर खड़े ने लीडर तो कहिंदे भी मैं इहो जिहा पंजाब बनूंगा ये कह के उन्होंने कटाक्ष किया क्योंकि मान साहब के उत्ते आरोप है भी उन्होंने 40 गड्डियां का काफिला उन्होंने नाल चलता जदों वो चलते हैं हुण देखो जी बाहर का तो साडा माहौल का बड़ा फर्क आ जी हुण जिहड़ा इत्थे कोई जितगन दस भी गांडा उन्होंने लीडर ही नहीं कहता कोई लोग तो ना उन्होंने कोई फंक्शन से सदा ना कोई मरने से सदा ना विह से सदा आते भी इन्होंने गांडमैन ने किसी को कि पता लगू मेरे वी आई पी आया वी आई पी का मतलब ये है ना हम पिछले तुम्हें पता आशु की वीडियो घूम डी आशु कल घूम डे ना एक बंदा ही हम कितने गया काफिला
ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ 16,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ 25,370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈ ਦੀ ਆਹੋ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਤੇ ਕਰਾਈ 16,000। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਇਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੱਖਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਰਦਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ, ਵੇਦਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਇਹ ਛੱਕਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਨੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕ ਫੇਸਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਲਾਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਛੱਕਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕੋ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਤਦੇ ਕਹਿ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਡਰੰਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 16,000 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਬੋਲੀ 25,370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਜ ਹੋਈ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਸਸਤਾ ਦਵਾ ਦੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਚੋਂ ਰਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ 1.5-1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੁੱਕੂਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁੱਕੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਨਾ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੇਈ ਫਲ ਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਫਲ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਣੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜੇਈ ਕੋਈ SDO ਫੜ ਲਓ, SC ਫੜ ਲਓ, 300-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਝਗੜਿਆ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ 2000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆ 50 ਲੱਖ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡੇ। ਆਂਦੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੀ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਟਾਲੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥੱਕ ਜੂਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ
भी इन्होंने अफसर ने साढ़े को पैसे लैके प्लाट अलाट किए जो सू कब्जे नहीं मिले आते कई बंद जिन्हों की फाइलों गुम हो गई उन्होंने भी आके अधिकारियों के नाम दसते हैं भी इन्होंने अधिकारियों ने फाइलों गुम कर दी जी नवा ही काम चल पाया ना भी जिसके खिलाफ कोई केस आना कहते फाइल गवा दो वापस जो पता लगा एसडीएम नूं देण लगे आ रजिस्ट्री दीआं पावणा सारे भज गए रोज दा 10 लाख 10 लाख कमाया मिलिया आंदा भी कोई तहसीलदार कोई एक दो टम टम छड़ गए कोई आंदे सो चुके कह सकदा गुरुद्वारे जाके मंदिर जाके भी मैं पैसे नहीं लैंदा मैं बिना रजिस्ट्रियां करदा लखां रुपये रोज का 10-10 लाख रुपया रोज का कमाउंदे आ के जांदे आ भी इन्हां दी सेटिंग हैगी पूरी भी उतले अफसर नूं किन्ने जाने उस तों बाद किन्ने जाने मंत्री नूं किन्ने जाने आ इन्हें सेटिंग कीती आ सरकार दा बदलाव आया किसे तहसील च रिश्वत नहीं मुकी कोई इंतकाल पैसे मगाड़ नहीं हुंदा पैसे देने पैदे सगो रेट बद गया छोड़ो ती विजिलेंस ने सूची जारी कर दी भी 47 तहसीलदार नैब तहसीलदार जेड़े आ आर चोर ने फलाने फलाने थां दी रिश्वत लेंदे ने जी अफसर को डर गई जे जे नीलमा नूं फड़ के अंदर दे दिंदे जिदन आईएएस इकट्ठे होए सी ते कुछ नहीं होना सरकार दा जेड़ा इमेज बहुत वधिया बणे सब नूं पता लग गया सरकार डर जांदी आ जी देखो आईएएस नूं फड़ना पंजाब सरकार दे वासी नहीं है मंजूरी मंजूरी लैनी पैंदी है इन्हां नूं सेंटर गवर्नमेंट तों ते इह डरदे आ क्योंकि इन्हों पता भी जे असी कोई गलत काम करना है या असी कोई कितों पैसा चोर हरियाणा सरकार फड़न दी है ना वो फड़ रही है जी इन्हों पता नहीं वो फड़ी जाते तो इन्हों डर लगता करंट लगा 440 वोट जो डर पैजू फिर जो पीसीएस जो कट्ठे हो गया फिर मारी ना कि धमकी इन्ने बजे तक आ जाओ आ गए ही ना तो जो रेवीन्यू वाले चार दिन धार ही पाँच दिन इन्हों को कहा नहीं जाता भी आ जाओ नो वर्क नो पे इन्हें सर्विस विवेक पा दो इन्हों चुक के जो सब रजिस्ट्रार आए आने दूजिया थावों से ला दो तो जेडे चंगे बंदे सब रजिस्ट्रार ला दो तो कमाई तो सारी सब रजिस्ट्रार दी आ छोटे मोटे बहुत ही है तो आते भी 14 नवंबर 2022 तो मैं जदों का ट्रस्टाचार लिया 8 महीनों च मोदी आमदन 8 करोड़ तो 16 करोड़ करती चलो चंगे बंदे भी ट्रस्ट है जे इदा के चेयरमैन आने के भला हो जाऊगा तो जे ये भी 2 प्लाट पा लेंगे उन्होंने कहते भी हलो ताड़ी आ गए जे अफसर ने नवा तरीका फड़ लिया ब्लैकमेलर काम करके गांधी ब्लैकमेलर को चिट्ठी पवाने ब्लैकमेलर पैसे दवाने ब्लैकमेलर कई काम करने छड़ गए 35-35 लाख दी गड्डियां घूम डे 20 लाख की गड्डी लेंदे आ तो मंग लेंदे किसी को कहना कहें 50 लाख किन कहते 30 लाख किन कहते खोखा भी कितने तेन खोखा दीए नरकेश जी सवाल देखो है ना जी एक इलीगल निर्माण को लेकर के जी कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एक जी ना टिप्पणी की जी उन्होंने कहा भी अवैध एक एप्लीकेशन जाती है उत्थे तो कहें भी जी तुम अवैध निर्माण वेखता नहीं ना या तुम कार्रवाई करने वास्ते बुलडोजर नहीं लगता तो यूपी योगी साहब को मंगा लो योगी साहब वधिया काम करन डे आ कोटा भी उन्होंने मिसाल जिम्मे क्या भी पहले इलीगल निर्माण होने देंगे भी कहते नीह नूह भर ला कंधा कुंधा चुके उचल उचिया कर ला फिर बंदा भेज देंगे उ फिर सैटिंग कर ला फिर शिकायत करा देंगे वो फिर वो देंगे काम फिर हर लेंटर का पैसा लेंगे जिड़िया गलिया स्कूटर नहीं जा सकता उत्तर 7-7 मंजिल बिल्डिंगा ने छड़िया कर दी मैं कई बार दस चुका भी साढ़े लागे वैध निर्माण हो कमिश्नर साहब ने दसिया उन्होंने कहने एक एस डी ओ जो कोई डिविजनल चार्ज है एडीबी का मौका मौके से आया उन्हें स्वेटर भेज दी एवं कमिश्नर साहब ने फोटो ला के भेज दी भी अं ढाता जे कुछ नहीं किया उदा ही वैध निर्माण उत्थे कि सुना बैठे कमिश्नर साहब ने मेरे साथ सुनते होने एम डी बी साहब भी सुनते होने कोई एक्शन नहीं फिर के जी गल है कि वो अपना ध्यान फीस वाल है फीस कितों आनी है अच्छी शिकायत आई है कि शिकायत कराई है
इंसाफ दवाना देखो ना जज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावर होंगे डीसी के कोल उन्होंने पत्नी जसमीन कौर ना आया सी अमरूदा के घोटाले के जिदा वो तुम्हें याद ही होना गमाडा किस तरह जमीन अक्वायर होनी है पिंड बाकरपुरा के अमरूदा बाग विखा के पहले जमीन ठेके से विखाई फिर एक किसान दसिया भी आह किसान की जमीन है तो मैं लई है ठेके से उत्थे लाए अमरूदा के बाग भी 200 एकड़ से अमरूदा के बाग लाए उ होर कोई लाया ही नहीं कई गिरफ्तारियां भी हुई पर दो IAS अफसर घर वालिया का ना है कि आंच नहीं आई तो हूँ अपने जो धमान साहब उन्होंने पत्नी कोर्ट ने एक कंडीशन ला के जी अग्रिम जमानत दे दी है क्या पूरा अजय अग्रिम जमानत दी रेस्ट स्टे की अमरूद बाग घोटाले च पंजाब हाई कोर्ट के IAS अधिकारी रमेश राजेश धमान जी ने तो उन्होंने पत्नी ने अपनी पत्नी जसमीन कौर की गिरफ्तारी दे रोक लाती पंजाब हाई कोर्ट ने तो पंजाब सरकार विजिलेंस ब्यूरो वास्ते नोटिस जारी करता जी भी तीस जवाब दौ ते तुहानू पता ही जिदा भी विजिलेंस ने करोड़ों रुपये के जिहड़ा अमरूद घोटाला आया गमाडा ने जिहड़ी जमीन अक्वायर करनी सी उहदे विच 2 मई 2023 नूं मोहाली च केस दर्ज किया जिस IAS की पत्नी जसमीन कौर का भी ना ही तो 18 आरोपियों से केस रजिस्टर्ड होया ही तो करोड़ों रुपये का इस मुआवजा गया ही हूँ जिहड़े जस्टिस है तो जिहड़ा IAS अधिकारी ही वह उस टाइम गमाडा के अडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है जी आप है ही तेना पता ही जमीन अक्वायर होनी इन्हें क्या भी चलो इन्नी दुनिया ने पैसे लेने हैं तो आप लीए उन्होंने कोई कमीशन ले उड़ा ली दूजिया को ही थोड़े ले वैसे 1 करोड़ कुछ लाख रुपये हूँ जो पे इन्हों की पत्नी ने जो मुआवजा लिया ही ना वो लिया ही 1 करोड़ 17 लाख जी तो जो इन्होंने हम एंटीसपेटी बेल लाई तो जस्टिस अविनाश झिंगर ने कहा इन्होंने इन्होंने वकील ने आप ही पहला ऑप्शन देती भी अभी 50% जो पैसे जमा कराने तैयार हैं 1 महीने के तो जस्टिस अविनाश झिंगर को बेल लगी ही तो वकील बहुत तगड़ा किया इन्होंने तो उन्होंने कमीशन ला दी 50 लाख 50 हज़ार रुपये 1 महीने ट्रायल कोर्ट से जमा करा दो तो 10 दिन के शामिल तफ्तीश हो जाओ 50 लाख जमा करा दो बेल सारे भी बंदे अंदर भी जाने अंदर हो गए जी 18 के केस रजिस्टर्ड होया मगरों अफसर अफसर आ गए ना भी अंदर हो गए मतलब वे बड़िया कुछ नहीं कानून भी छोटे बंदे नूं अंदर करदा वड्डे बंदियां वास्ते कानून ही वखरा इह कानून नाल खेडदे आ इहनां नूं पता हुंदा कानून को बचना किदां छात्र बंदे हुंदे आ ना जिन्हें समगलर ले लो जिन्हें कोई सट्टेबाज ले लो जिन्हें कोई तस्कर ले लो लीडर ले लो इह कानून को बच जांदे किसी ना किसी तरीके फड़े जांदे हस्पतालां 'च दाखल हो जांदे आ उदों नूं बीमारी हो जांदी है छुटदे ही ठीक हो जांदे नौ पर नौ हो जांदे कदी दवाई दी गोली नहीं मगरों खांदे चलो इह दी गल कह के साडा ते काम है लोकां नूं जागरूक करना ते दसना भी हो की रिहा है तो लो ये फैसला लोगों ने करना है भी तुसी अपना जिहड़ा भविख आ मुफ्तखोरी दे अगे गिरवी रखना जां फिर तुसी लोगों ने कोई अपने बच्चों का या समाज का भला करने वास्ते कोई फैसला लेना इन्हां नूं पुछना भी ये अफसर कोई जिहड़े बैठे ने तुहाडे दित्ते टैक्स दे इन्हां नूं पैसे जिहड़ी आ इन्हां नूं सारियां सुख सुविधावां मिलदियां इन्हां नूं तनखावां मिलदियां पर राज करन बह गए इस करके क्यों क्योंकि साड़ी मानसिकता जी गुलामी अजे भी झेल रही है असी इन्हों पुछते नहीं भी जे कोई तुहाडे काम नहीं करना आता सरकारी बंदा क्यों नहीं करता भी उन्होंने तनखा मिल रही है तो साढ़े लीडर साहबान माफ़ करना दुख ना कहना पै रहा है कि उन्होंने भी अपनी छोटिया छोटिया जड़िया इंट्रस्ट जोड़े है वो जोड़े है वो दिसदे है किस तरह हूँ आम आदमी पार्टी ने 2024 जो इलैक्शन होने ने एक सर्वे करा रही है जी सारी जानकारी के मुताबिक हर MLA की फीडबैक ली जा रही है
भी वह की लोगों के नाल रहिंदा लोगों च विचरदा किसी दड़े सट्टे कारोबारी नूं सपोर्ट तो नहीं करता किसी नशा तस्कर नूं सपोर्ट तो नहीं करता। इस तरह की ही सर्वेक्षण हमेशा क्यों नहीं कराया जाता कि किहड़ा अधिकारी इत्थे पैसे लै रहा किहड़ा अफसर चोर है जिहड़ा लोगों का लहू पी रहा उन्होंने भी कार्रवाई होनी चाहिए ता ही बदलाव आएगा नहीं तो गल्लां नाल कहदा बदलाव है। चलो समा हो गया सानू दिओ इजाजत सानू सारा प्रोग्राम चंगा लगता है लाइक कमेंट तो शेयर जरूर करो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर करो। धन्यवाद नमस्कार।